चंद्रमुखी 2 कंगना रनौत सातवें आसमान पर है क्योंकि आरआरआर के संगीत निर्देशक कीरावली ने फिल्म की प्रशंसा की है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में बने रहें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। पुरस्कार विजेता संगीतकार एम कीरावनी ने बहुप्रतीक्षित हॉरर कॉमेडी चंद्रमुखी 2 के लिए संगीत तैयार करने में किए गए जबरदस्त प्रयास और अटूट संपर्क का खुलासा किया है। एक हालिया ट्वीट में कीरावनी ने फिल्म से एक कथानक बिंदु साझा किया है जिसमें खुलासा किया गया है कि फिल्म के सभी मुख्य पात्र डर के कारण अनिद्रा से पीड़ित है, जो फिल्म के संगीत स्कोर को तैयार करने का समय दिनों और रातों की नींद हराम करने के उनके 2 महीने के अनुभव को दर्शाता है। एमएम कीरावनी ने ट्वीट किया कि चंद्रमुखी 2 देखी, फिल्म के पात्र मौत के डर से रातों की नींद हराम करते हैं, मेरे लिए अपने प्रयासों से मनमोहक दृश्यों में जीवन जोड़ने के लिए 2 महीने की नींद हराम दिन और रातें। गुरु किरण और मेरे दोस्त विद्यासागर कृपा मुझे शुभकामनाएं दे। अभिनेत्री कंगना रनौत जो मुख्य भूमिका निभा रही है इस बारे में अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्वीट साझा किया और लिखा, सितंबर का इंतजार नहीं कर सकती। कंगना की फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रही है और उनसे काफी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि चंद्रमुखी 2 ने कीरावनी पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, खासकर इसलिए क्योंकि इस साल की शुरुआत में उनकी ऐतिहासिक ऑस्कर जीत के बाद यह उनकी पहली रिलीज होगी। संगीतकार ने मनमोहक डांस नंबर नाटू नाटू के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जिसने सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर जीता, जिससे आरआरआर इस तरह का प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करने वाला पहला भारतीय प्रोडक्शन बन गया जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों पर जीत हासिल की। इसे देखते हुए चंद्रमुखी 2 के लिए उन्होंने जिस तरह का संगीत तैयार किया है उसे लेकर काफी उत्सुकता है। 2005 की हॉरर कॉमेडी की अगली कड़ी जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत मुख्य भूमिका में थे। चंद्रमुखी 2 में कंगना रनौत और राघव लॉरेंस प्रमुख भूमिकाओं में है। लॉरेंस की पहली अखिल भारतीय रिलीज यह फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कंगना रनौत की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में हिंदी पट्टी में बड़े पैमाने पर रिलीज होने की उम्मीद है। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।